राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग संविधान संशोधन विधेयक पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इस संविधान संशोधन के पक्ष में मैं खड़ा हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, ये पिछड़ा वर्ग आयोग 1993 में 14 अगस्त 1993 को पहली बार इसका गठन हुआ और गठन के उपरांत आज तक इस आयोग को संवैधानिक दर्जा नहीं दिया गया। हमारे देश के करोड़ों पिछड़े वर्ग के लोग बड़ी पिपासा के साथ देखते रहे कि इस आयोग को कब संवैधानिक दर्जा दिया जाएगा। समय समय पर इस देश में 50 साल शासन करने वाली पार्टी कांग्रेस पार्टी, जिसने समय समय पर आयोगों का गठन किया, काका कालेरकर आयोग बना, उसके बाद मंडल कमीशन बना, कमीशन बना बना करके पिछड़ों को लालसा देते रहे। पिछड़ा वर्ग हमेशा ठगी का शिकार हुआ, उसको न्यायिक दर्जा नहीं मिल पाया। समाज में पिछड़े वर्ग में ऐसे पिछड़े लोग हैं जिनकी सामाजिक, आर्थिक और एजुकेशनली जो स्थिति है वो कहीं कहीं पर हमारी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से भी बदतर है। और आज ये समय आया है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसको संवैधानिक दर्जा देने के लिए जनवरी में पहल की। इसके पहले 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया था कि पिछड़े वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया जाए। मैं अपने कांग्रेस पार्टी के साथियों से पूछना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन के बाद आप सत्ता में रहे, 14 तक आप सत्ता में रहे, आपने उसको संवैधानिक दर्जा क्यों नहीं दिया? और जब 2014 में हमारी सरकार बनती है तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने इसको कैबिनेट में लेकर के इसको संवैधानिक दर्जा देने का प्राविधान किया। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जनवरी में जब ये बिल आया तो पूरा हाउस एक साथ समर्थन किया, लेकिन दोहरी चरित्र का आप लोगों ने जो प्रदर्शन किया राज्यसभा के अंदर, आज उसी का परिणाम है ये इस हाउस के अंदर पुनः बिल आया है। मैं कहना चाहता हूं अध्यक्ष जी, अभी हमारे साहू जी बोल रहे थे कि कहीं हमको शंका है 8 महीने में केवल राजनीतिक लाभ लेते हुए इसका दर्जा न कहते कहते वोट मांगने का विषय रखा जाए। मैं कहना चाहता हूं साहू जी कि अगर जनवरी में बिल पास होकर के संवैधानिक दर्जा मिल गया होता तो अब तक करोड़ों लोगों को बैकवर्ड का लाभ मिल गया होता जो वंचित हैं, शोषित हैं, पिछड़े हैं। आपने उसको 8 महीने रोक रखा और आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी की जो इच्छा शक्ति है उसके तहत उन्होंने इस बिल को पुनः इस लोकसभा में रख करके आज करोड़ों पिछड़ों को वो लाभ देने की बात करने का काम किया है। आज देश के करोड़ों पिछड़े टेलीविजन पर बैठे हैं कि आज हमारा फिर ऐतिहासिक दिन आने वाला है जब हमारे समाज में जो ऐसे पीड़ित लोग हैं जिनको हम वो दर्जा नहीं दे पा रहे, जिनको न्याय नहीं दे पा रहे, ऐसे लोगों के लिए वो लोग देख रहे हैं लोकसभा की तरफ वो कब कानून पास होगा, हमको लाभ मिलेगा। माननीय अध्यक्ष जी, मैं बहुत लंबा समय नहीं लूंगा क्योंकि समय कम है, मैं समझ सकता हूं। इतना कहना चाहता हूं कि यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जब ये बिल लाने का काम किया तो यहां पर तमाम चर्चाएं हुई। अभी धर्मेंद्र जी बहुत गंभीरता से बोल रहे थे, मैं उनकी बात सुन रहा था, मैं उनकी तमाम बातों से सहमत भी हूं। आप चले गए थे, पंकज जी ने अभी एक विषय रखा था, उस विषय को शायद आप नहीं सुन पाए होंगे, वो डिबेट निकाल लीजिएगा, उसको देख लीजिएगा जरा। 1900 आजादी के पहले भी 1902 में कोल्हापुर नरेश छत्रपति साहू जी महाराज ने भी आरक्षण को आवश्यकता समझी और 1902 में उन्होंने आरक्षण लागू किया कोल्हापुर स्टेट के अंदर, और उन्होंने कहा कि ये पिछड़े वर्ग हैं,
इनको आरक्षण की आवश्यकता है। और 23 मार्च 2017 को माननीय प्रधानमंत्री जब इस बिल को लाए यहाँ पर, वो कैबिनेट में रखा, तो यहाँ पर मेजे थपथपा करके हमारे साथियों ने स्वागत किया था। लेकिन आज मैं कहना चाहता हूँ ये बिल दोबारा क्यों आया यह विषय पिछड़ा वर्ग जानता है। हम कांग्रेस के साथियों से कहना चाहते हैं, हमको समझाने की आवश्यकता नहीं है। पिछड़ा वर्ग अब समझदार हो गया है, वो समझदारी से वोट करना जानता है। 2014 में यशस्वी प्रधानमंत्री जी को अपना प्रचंड बहुमत दिया और उसके बाद 2017 में उत्तर प्रदेश के अंदर एक ऐतिहासिक जीत दे करके एक यशस्वी सरकार देने का काम किया। माननीय अध्यक्ष जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो क्रीमी लेयर का विषय आया आरक्षण में, 27% आरक्षण पिछड़े वर्ग को मिला है और जबकि 10 से 11% लोग पिछड़े अभी सर्विस में हैं। क्रीमी लेयर की बात रखी गई, क्रीमी लेयर का विषय भी प्रहलाद पटेल जी ने भी रखा कि जब हमारा 27% आरक्षण पूरा हो जाए उसके बाद क्रीमी लेयर का विषय आना चाहिए। अभी हमारा आरक्षण पूरा नहीं, क्रीमी लेयर का विषय आया क्यों? मैं तो यशस्वी प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद ज्ञापित करूंगा कि उन्होंने क्रीमी लेयर की सीमा को बढ़ाने का भी काम किया। 6 लाख से उन्होंने 8 लाख की सीमा करने का काम किया। बैठ जाओ, सुन लो पूरी बात। बैठ जाओ, जहाँ बैठे हो उनसे पहले कहो उसके अध्यक्ष जी, बहुत दो एक बिंदु और है। नाउ कंप्लीट, क्रीमी लेयर का विषय तो खत्म हो गया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने क्रीमी लेयर की सीमा को बढ़ाने का काम किया, 27% आरक्षण। आप किसी का जवाब मत दो, नथिंग रिकॉर्ड, इनकी बात रिकॉर्ड में नहीं जा रही है, आप अपनी बात रखो, उनको चिल्लाने दो, आदत है। क्या करो, नेशनल कमीशन बैकवर्ड के लिए जो बना, मैं पूरी आशा और विश्वास के साथ कह सकता हूँ और यशस्वी अपने सम्मानित मंत्री गहलोत जी का भी धन्यवाद ज्ञापित करूंगा कि उन्होंने बिल दोबारा ला करके करोड़ों पिछड़ों को न्याय देने का उन्होंने जो आज विषय रखा है, उनको भी मैं हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और माननीय प्रधानमंत्री जी के सम्मान में मैं 4 लाइनें व्यक्त करना चाहता हूं। कर्मशील ईमानदार पीएम का वंदन करता हूं, उनके माथे 1.25 अरब जनता का चंदन करता हूं। है पिछड़ा आयोग बनाया, हक दिलवाया पिछड़ों को, हर पिछड़े की ओर से मैं पीएम का अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।